जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कुलसुम फातिमा और आप देख रहे हैं बिहार टीवी। हरनौत थाना क्षेत्र के मानिकपुर के समीप निजी स्कूल से वाहन से कुचलकर एक अधेड़ की मौत आज हो गई। वहीं स्कूल जा रहा एक छात्र भी इस घटना में घायल हो गया। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि स्वर्गीय भूसौल रविदास के 57 वर्षीय पुत्र गर्भू रविदास शौच के लिए सड़क के किनारे बैठे थे, तभी एक निजी स्कूल की वाहन ने उन्हें कुचल दिया। वहीं साइकिल से स्कूल जा रहा छात्र को भी मानिकपुर के पास टक्कर मार दी। घटना के बाद ड्राइवर ने हादसे के शिकार दोनों व्यक्ति को गाड़ी में लादकर स्थानीय हरनौत रेफरल अस्पताल पहुंचा दिया और वहां से फरार हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। थाना अध्यक्ष दयानंद शर्मा ने बताया कि दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं बमोचक निवासी एक बच्चा घायल है जिसका निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा है। पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। मैदान करने जा रहे थे। अच्छा, तो ये गाड़ी वाला ये बच्चा जो पिकअप से बच्चा को लाने जाते हैं ना, वही माते निकल गए। तो उसमें बच्चा बैठा हुआ था क्या गाड़ी पे? नहीं नहीं, खाली ही ले जा रहे थे। अच्छा अच्छा, गाड़ी वाला फरार हो गया। गाड़ी वाला फरार नहीं, वो ही गाड़ी पर ला करके हॉस्पिटल में छोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद फरार हो गया। चाबी ले लिया, दूसरा चाबी के साथ। इसमें कोई घायल भी हुआ है क्या? हाँ, एक बच्चा घायल भी है, बामोचक का बच्चा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज रविदास। कहाँ घटना कहाँ हुई है? भाई मानिकपुर के आगे गाँव से, मैंने कहा बजरंग मंडी से पूर्व। सरकार की आने वाली हर छोटी बड़ी ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।